रेकी हर जाति धर्म समूह के लोग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत लोगों का सवाल आता है कि सर रेकी हम सीख सकते हैं, मुस्लिम धर्म के हैं या जैन धर्म के हैं, सिख धर्म के हैं, तो रेकी धर्म और जाति का भेद नहीं करती है। रेकी नेचुरल एनर्जी है, जापानी भाषा का शब्द है, जिसका नाम है विश्व विख्यात एनर्जी, यानी कि विश्व की जीवनदायिनी शक्ति। विश्व की जीवनदायिनी शक्ति यानी एक पवित्र ऊर्जा है। इस पवित्र ऊर्जा के इस्तेमाल से हम अपनी बीमारियों को ठीक कर पाते हैं। जब हम रेकी सीख लेते हैं, अटेनमेंट करा लेते हैं, तब हम रेकी को कॉल करते हैं, हे रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो कि मैं अपने शरीर की बीमारियों को हील कर सकूं, या अपने रिश्तों को हील कर सकूं, या अपना बिजनेस बढ़ा सकूं, अपने रसोई घर को हील कर सकूं। तो यहाँ पर वो रेकी एनर्जी हमारे रिक्वेस्ट पर काम करती है, हमारे इंटेंशन पर काम करती है, हमारे भावों पे काम करती है। इसलिए किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं है, धर्म जाति समूह का कोई भेदभाव नहीं है। रेकी कोई भी सीख सकता है। रेकी सीखने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, या मुस्लिम धर्म का हो या हिंदू धर्म का हो, सिख धर्म का हो, जैन धर्म का हो, पारसी हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, पूरे विश्व में कोई भी धर्म जहाँ कहीं भी है, कोई स्थान का व्यक्ति हो, बूढ़ा व्यक्ति, जवान व्यक्ति, पढ़ा लिखा, अनपढ़, हर तरह के, हर समूह, हर जाति के लोग रेकी सीख कर अपनी बीमारियों को ठीक कर पाते हैं। और रेकी सभी के लिए बराबर काम करती है। रेकी को किसी भी भाषा में रिक्वेस्ट लगाया जा सकता है, रेकी को किसी भी लैंग्वेज में बोला जा सकता है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी हो, उर्दू हो, पारसी हो, जैन धर्म हो, नेपाली हो, कन्नड़ हो, या विश्व की कोई भी भाषा हो, जिस भी भाषा में आप चाहें रेकी को रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसा कि रेकी जापानी भाषा का शब्द है, तो जापान की भाषा से उसके बाद हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ और पूरी दुनिया में आज रेकी हीलर्स हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर्स हैं, रेकी से लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हर जाति हर धर्म के लोग सीखने आते हैं हमारे पास भी, और दुनिया में सभी ग्रैंड मास्टर के पास हर जाति हर धर्म के समूह के लोग सीखने जाते हैं। तो आप निश्चिंत रहें और रेकी सीखें और जीवन को अच्छा बनाएं। धन्यवाद।